हम लोग जा रहे हैं शांति बहन के घर और फिर शांति बहन की स्कूल देखने भी जाएंगे उधर से। अभी रेडी हो रहे हैं शांति बहन। इधर पापा के घर पे जो जीरा हुआ है घर का, हमारे खुद के खेत का, वो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए लेके जा रहे हैं। और मम्मी इधर बैठे हैं, जीरा नो टेस्ट करवा लो करी में। घर का जो खेत में जो चीज़ें होती है जैसे मूंगफली, जीरा, ये चीज़ें हम लेके जाते हैं थोड़ा थोड़ा। मैं भी लेके जाऊंगी जीरा थोड़ा सा। और अभी शिव एंड बाहू इधर खेल रहे भागो। अच्छा, हमारे जींस पहले ले दो आज ना ठेली बहन जा रहे हैं। अभी मैं जा रही हूँ, मैं रो रो के जा रही हूँ। नहीं, दोनों बच्चे खा लेंगे जल्द जल्दी, क्योंकि मैं बोलूंगी कि आना है ओम को लेने के लिए, तो दोनों रेडी होंगे तो हम सब जाएंगे। ओ यस, ओम को लेने के लिए, क्योंकि हम देखो अभी जाना है। बाय बाय शिव, शिव को थोड़ी सी बाय बाय शिव, हेल्प करो थोड़ा, नहीं जा पाएगा। शांति फुई ना गिर जाए, कहाँ शांति फुई जाए, क्योंकि ये रहा है शांति फुई। और शिव और मैं भी जा रहे हैं ना, मैं और शिव भी जा रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अबाय, गुड मॉर्निंग शांति। शांति मासी बेगुन जाऊँ तारे अबाय, यू वांट टू गो विद शांति मासी और स्टे हियर। बाय शांति। शिव बाय बाय कह दियो शांति फुई ने। बाय बाय शांति फुई, कम बैक सून। ये बचपन की यादें, यहाँ पे रामदेव भाई के जो उस साइड पे हमारा घर है और इस साइड पे ये जो कुआ है, यहाँ पे पानी रहता है उस कुएं से ज़्यादा। इसमें अभी टोटल 1, 2, 3, 4 कुएं हुए रामदेव भाई के पास, मगर ये वाला जो है इसमें पानी रहता है, अभी पीने का पानी भी रहता है पूरे साल का। और यहाँ पे ये घर भी बनाया है लोगों को रहने के लिए जो खेत में काम करते रामदेव भाई के पार्टनर्स। तो मैं अभी शांति बहन के साथ जा रही थी, थोड़ा गाड़ी रुक के इधर आई हूँ वीडियो करने, क्योंकि मैं कितने टाइम से इधर नहीं आई हूँ। ये मैंगो ट्री है जिसमें मैंगो आई है, कल पापा यहाँ से मैंगो लेके भी आए थे। ये रही, नीचे भी गिरी है मैंगो और आई भी है बहुत ही, इतनी ज़्यादा नहीं मगर है, इधर है, इधर है मैंगो। कल पापा इधर से उतार के ले गए थे जो थाना बनाने के लिए, पिकल्स, मैंगो पिकल्स बनाने के लिए। इधर चला रहा है वो ट्रैक्टर चला रही है भाई। और अभी शांति बहन मुझको बुला रही है तो मुझे जाना पड़ेगा। बच्चे नहीं आ रहे, सिर्फ मैं जा रही हूँ स्कूल देख के आते। यहाँ पे एक और नई मैंगो ट्री भी बड़ी हो गई है वैसे। तो अभी मैं और शांति बहन निकल गए बच्चों को भारती के पास छोड़ के। अभी टाइम क्या हुआ होगा शांति बहन, 11 बज गए, हमें 12 बजे तक स्कूल पहुंचना है। तो इधर से सीधा उधर चले जाएंगे स्कूल, और धूप है, मैं बिल्कुल निकली नहीं हूँ, घर पे ही हूँ। मेरा टारगेट इस बार यही था, सिर्फ घर पे रहना फार्म हाउस में, तो वही मैंने किया। मम्मी पापा के साथ बस सिर्फ घर पे ही रहे, धूप और गर्मी में बिल्कुल नहीं गए, ताकि बीमार भी नहीं हुए, ना किसी को सर्दी हुई, ना खांसी हुई, ना बुखार हुआ, कुछ भी नहीं। गाय का दूध, छास, घर का घी, बस यही खाना चल रहा है। आज कितने दिनों के बाद निकली हूँ घर से मैं, दिन हम फर्स्ट को आए थे तो 8 दिन, आज 8वां दिन है तब हम निकले हैं आज घर से। और ना इधर सिर्फ मामा के घर गए थे बस, और घर पे ही
दिन निकल जाता है पूरा, क्योंकि लोग आते रहते हैं, आसपास के लोग आते रहते हैं। यहाँ तो कल तो दो तीन हमारे चैनल देखने वाले भी आए। एक भाई है जिसकी मैं दवाई लेके आई थी, वो यूके से इधर रह रहे अभी 5 महीने से, तो थोड़ी देर उन लोगों के साथ बैठे और दिन निकल गया कल का। ऐसे ही हमारी पूरी हॉलीडे निकल गई, ऑलमोस्ट 10 दिन, अभी सिर्फ 2 दिन रह गए। तो आज है थोड़ा सा शॉपिंग करने का प्लान, शांति बहन के घर जाने का प्लान है और स्कूल जाने का प्लान है। एक दिन में आधा दिन रह गया, वैसे आधे दिन में इतना सब कुछ करके वापस इवनिंग को घर भी आना है। ले अभी आ रही है सामने रिक्शा और यहाँ पे बिल्कुल जगह कम है, तो रिवर्स लेके जा रही है शांति बहन आगे से, रिक्शा आ रही है। अभी आए हैं जो स्कूल शांति बहन ने खरीदी है उस स्कूल में, तो मैं थोड़ा सा पूरी स्कूल का वीडियो करूँगी और शांति बहन अपना कंटिन्यू करेंगे काम, क्योंकि आज हम लोग पहुँचे अभी 12 बजे और नॉर्मली वो सुबह सुबह आ जाती है, तो उसका काम भी रहता है इधर। अभी मेरे ब्रदर इन लॉ जीजा जी मेरे भी इधर ही है, गाड़ी इधर पड़ी है, तो ये मैं और शांति बहन लेके आए हैं दूसरी गाड़ी। तो राजू भाई भी इधर ही है, अभी मिलाएंगे आपसे। ये मेन गेट है स्कूल का, अभी शांति बहन स्कूल का नाम रखेंगे कृष्णा, कृष्णा साइंस स्कूल। सो ये मेन गेट से, यहाँ पे रहती है, साइडों में ऑफिस है, बहुत अच्छी बड़ी स्कूल है। क्लास चल रहा है स्कूल के, बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, हम उस साइड नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चों को डिस्टर्ब हम बिल्कुल नहीं करेंगे पढ़ाई में। तो मुझे लगता है जब इन लोगों की ब्रेक होगी तब मैं जाके पीछे की स्कूल का हिस्सा दिखाऊंगी और शांति बहन को पूछेंगे आगे। अत्यारे क्लास शांति कंटिन्यू है, ली बजू जाती नहीं डिस्टर्ब करवा, एग्जाम था मुझे, एग्जाम है। ओके શાંતિબેન કે બોલ રહી હું, આપ બેઠો તા કે મેં વિડિયો કરું, વેરી પ્રાઉડ ટુ સી, આઈ વોઝ સો પ્રાઉડ વેન રામદેવભાઈ રેકોર્ડેડ, બીકોઝ મેરી છોટી સિસ્ટર હૈ ઓર ઉસકી સ્કૂલ, તો બહુ ખુશી હોતી હૈ અંદર સે, प्राउड भी फील होता है। ये पूरी ऑफिस है, अभी राजू भाई को ढूंढना पड़ेगा बड़ी स्कूल में किधर है, शांति बहन ने आके दिया जलाया शायद, नहीं करी फिर भाई माता जी के मंदिर में आके शांति बहन यहाँ पे दिया जलाते हैं पहले, वो प्रेयर करके फिर स्कूल का काम कंटिन्यू करते हैं। अभी शांति बहन को शायद कुछ काम है और मैं लेके आई हूँ वीडियो, बॉयज हॉस्टल, और यहाँ पे पूरा एड्रेस है गुजराती में, और जो हमारे गुजराती में तो बधाई ने खबर ज छे स्कूल क्या छे, तो कॉन्टेक्ट नंबर छे राजू भाई नो, શાંતિબેનના હસબન્ડનો રાજુભાઈનો કોન્ટેક નંબર, દેવસીભાઈનો કોન્ટેક નંબર, રાજુભાઈના મોટા ભાઈ કઝન બ્રધર અને ભીમભાઈ કેસવાલા, આ કોઈ પણ નંબર પર તમે સંપર્ક કરો અને કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય છોકરાઓને ભણવા મૂકવા માટે, તો બોયઝની હોસ્ટેલ છે અને એડ્રેસ પણ અહીંયા છે એનું, મૂળભૂત તાલુકો રાણાવાવ, કૃષ્ણા સાયન્સ સ્કૂલ, ઓનલાઈન પણ બતાવે છે, તમે કૃષ્ણા સાયન્સ સ્કૂલ લખો એટલે તમને બધી ડિટેલ માહિતી મળી જાય ઓનલાઈન પણ,
આ તો હું આવી છે ને અહીંયા ઓફિસમાં ફ્રી બેઠી હતી તો મેં મારી રીતના વિડીયો કરી નહીં કર શાંતિબેન એના કામમાં છે અત્યારે બેઠી આ કે આપણી જગ્યા પે ઓફિસ મેં ઉસકી મેઇન ચેર પે શાંતિબેન ज़्यादा बातें नहीं करते जैसे आप सब लोगों को पता है बातें करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरा और रामदेव भाई का है तो आई एम सो हैप्पी तो शांतिबेन के स्कूल पे आके यहाँ पे बहुत अच्छा ठंडक और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है स्कूल का जहाँ मेन गेट से जब हम अंदर आए ना उसके बाद मूड खुश हो जाता है क्योंकि सीधा गार्डन आता है और उसके बाद क्लासेस एंड वो स्टडी वाला इन्वायरमेंट आ जाता है जहाँ पे हमने डिसिप्लिन रहना है हमने सब फॉलो करना है रूल्स ऐसी इन्वायरमेंट है मगर पढ़ाई के लिए बेस्ट है बच्चों के लिए इट्स रियली गुड और शांतिबेन को काम करने देते हैं और मैं थोड़ा घूम के आऊँगी और भी वीडियो बना लूँगी आसपास की और फिर हम चलेंगे शांतिबेन के घर तो उधर की भी हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो आज की पूरी वीडियो है जो शांतिबेन के घर की और शांतिबेन के स्कूल की यही होगी तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग सारे यहाँ से एग्जाम दे के 12 बजे छूट गए हैं ये लोग एज ग्रुप सबके अलग अलग है पहले छोटे बच्चे जो थे वो छूटे हैं उसके बाद अच्छा ये लगता है ईयर 2 ईयर 3 के बच्चे भी है साथ में एग्ज़ाम है इसलिए सारे सेम यूनिफॉर्म में नहीं है मतलब मोस्टली सब यूनिफॉर्म में ही है बाय 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 डिड यू गाइस एंजॉय योर एग्ज़ाम बाय 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 They're so cute and so polite. कोई कोई जो है उसकी हाइट से भी बड़ी बड़ी बैगें लेके भाग रहे हैं एग्जाम देने के बाद जो लाइक यहाँ से निकलने की खुशी होती है वो सबके चेहरे पे दिखी मैंने आगे से वीडियो नहीं की क्योंकि किसी किसी को शर्म भी आती है लड़कियाँ भी थी साथ में तो मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि ये लोग सारे अभी जा रहे हैं तो शांतिबेन का आज काम जो था वो 12 बजे तक का ही था मगर इंडिया में ये अच्छी बात है इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है कि स्कूल में है बच्चे तो उसको नहीं दिखा सकते या वीडियो नहीं बना सकते मगर फिर भी मैंने अपनी तरफ से ही सबके फेस नहीं दिखाए और मैंने ऐसी वीडियो ले ली जैसे वो लोग जा रहे हैं ऑलरेडी ये सारा कैप्चर किया था वीडियो में सारी स्कूल दो माले की स्कूल है और बहुत सारे क्लासेस है यहाँ स्टाफ रूम है और फिर आगे से ये है क्लास 12 और आई थिंक उधर से शुरू होता है ब्लॉक 2 और फिर ब्लॉक 8 यहाँ पे है क्लास 11 11th स्टैंडर्ड के बच्चे इस क्लास में जाते होंगे अच्छा है यहाँ पे स्टैंडर्ड 3 के बच्चे ये क्लास में और ये आ गया स्टैंडर्ड 2 और ये यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड 1 सो 1 से 12 तक का स्टैंडर्ड है स्कूल और पीछे जो है वो बॉयज हाई स्कूल रहती है उधर लोग बच्चे जो रहते हैं यहाँ पे वो उधर चले गए तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई
स्कूल का हिस्सा जो है वो बहुत बड़ा है और बिल्कुल आसपास में खेतों वाली जगह है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, काफ़ी रिलैक्सिंग। अभी टाइम बिल्कुल आफ्टरनून दोपहर का है, मगर ठंडक है, अच्छी है, विंड भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा है वेदर भी। और यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई, जो लड़के यहाँ पे हॉस्टल में रहते वो अपनी जगह पे उधर चले गए हैं हॉस्टल में। और शांति बहन और राजू भाई इधर है, मेरे सिस्टर के हस्बैंड, वो लोग अभी अपना जो होता है फाइनेंशियल थिंग्स, वो उसका काम था वो कर रहे, फिर हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे। बच्चे सारे चले गए अपनी एग्ज़ाम दे के। ये लड़कियाँ हैं आई थिंक ईयर ट्वेल्व की एग्ज़ाम दे के भी जा रही है सारी लड़कियाँ, अभी लास्ट क्लास वो था बाकी। ये 20 साल के बाद मैं ऐसा कुछ दिख रही हूँ। जब मैं यूके आई उससे पहले मैं स्कूल गई थी, मेरी स्कूल खुद की वो बगोदर, मगर ये स्कूल बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो साइन सारी दी हुई है, म्यूज़िक की इंफॉर्मेशन, बहुत सारा ऐसे ही आके अंदर आके ही सीख जाते हो, ये स्कूल होती है जहाँ पे जाके आपको सीखने को मिले वो है स्कूल। अभी ने मोकला हूँ एटलो आंखी एटलो आंखी। મોટા બહુ થઈ ગયા, નહી હજી તો દોડ્યા નતા तो। ये शांति बहन जो है उसने लिया है कोकोनट, कोकोनट अपने मेहनत का फल अगेन। ती शांति पानी दी थू के जेवा मम्मा ने मेहनत नो फल। शांति बहन का फादर इन लो जीवा मामा, ये दोनों ये सारी चीजें संभालते हैं, ऐसा कहना है इन लोगों का। और आंबा का झाड़ है बहुत अच्छा, प्यारा सा, बड़ा सा। हाँ, तो तारे ऐसी झाड़ उजर तो है सर, दैट्स गुड। सो मेरी सिस्टर ने क्या किया, इसको फाड़ दिया और इसको ऐसे करके पानी निकाल लिया और फिर मैंने पी लिया। और ये सब इसने 5 मिनट में कर दिया। और ये इन चीज़ों में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मैं थी और शांति थी, वो इजीली जो मिल जाए वैसी चीज़ खा लेती थी और इतना हार्ड वर्क नहीं करती थी कि ये कोकोनट को खोल के पानी निकालेगी। और ये टाइम के साथ साथ शांति बहन ने कर दिखाया। પેલા અહીંયા સી થ્રુ નહોતું, પેલા અહીંયા સી થ્રુ હતું કદાચ ના ચોમી
sleeping. निकले शांति बेनोर में थोड़ा शॉपिंग करने जा रहे हैं। हमने नारियल पी लिया, कोकोनट खा लिया। अभी टाइम हुआ है क्या, 4 o'clock, ओके 4:30, 4:30 बजे। अभी भी धूप है, थोड़ी ठंडक है, मगर जब आए तब बहुत थी। हम कितना सीखू आई शांति, अमुक सीखुड़ी में बहु आई। ये दुपट्टे, नवरात्रि का शॉपिंग जो किया हमने, रेडीमेड ब्लाउज और